हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है, टॉपिक क्या था यार, टॉपिक क्या था? ऐसा कई बार होता है ना, हम चीजें भूल जाते हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज पे टाइम देते हैं, अपने हेयर स्टाइल पे टाइम देते हैं, अपने दांतों पे टाइम देते हैं, कपड़ों पे टाइम देते हैं, लुक्स पे टाइम देते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ब्रेन, उसको टाइम नहीं देते। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पांच ऐसी ब्रेन गेम्स जो आपकी ब्रेन की पावर को, आपकी मेमोरी को बूस्ट करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो पांच ब्रेन गेम्स। तो मेरी आज की पहली गेम आपकी मेमोरी के रिलेटेड है। इसका नाम है द मेमोरी गेम। स्क्रीन पे आपको एक सेंटेंस नजर आएगा, आपको उस सेंटेंस को याद रखना है, फिर वो सेंटेंस स्क्रीन से हट जाएगा, आपको एज इट इज सेम टू सेम उस सेंटेंस को रिकॉल करना है और बोलना है। इससे पता चलेगा आपका ब्रेन कितना ग्रैस्प कर पाता, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का टेस्ट होगा। अनुज इज अ 5-year-old किड। ही वेक्स अप एवरी मॉर्निंग एंड गेट्स रेडी टू गो टू स्कूल। ही वेट्स एट द एमजी रोड सिग्नल फॉर हिज स्कूल बस। इस सेंटेंस को पढ़ो और याद रखने की कोशिश करो। चलो अब इस सेंटेंस को रिकॉल करने की कोशिश करते। अनुज इज अ 5-year-old किड। ही वेक्स अप एवरी मॉर्निंग एंड गेट्स रेडी टू गो टू स्कूल। He waits at MG Road signal for his school bus. I hope आपका आंसर भी ठीक होगा। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो ये गेम है। सो दैट हम समझे कैसे अपनी मेमोरी को हम धीरे धीरे इन गेम्स के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं आपको एक क्विक ट्रिक बताता हूं। तो कभी भी आप किसी चीज को याद रखने की कोशिश करते हो ना, तो मेन पॉइंट्स पे ध्यान दो कि नाम क्या है, एज क्या है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, मेन पॉइंट्स। जैसे इस सेंटेंस में अनुज है, 5-year-old किड है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, MG रोड स्टेशन से उसको बस पकड़नी है। ऐसा करने से आपका ब्रेन एसोसिएशंस बिल्ड करता है, वो पॉइंट्स के साथ चीजों को रिलेट करता है, उसकी एसोसिएट करने की पावर इंक्रीज होती है, वो काम पे लगता है। चलिए क्विक लिस्ट को एक बार और करते हैं। अब सेम एक्टिविटी इन एक्टर्स के साथ करते हैं और इसी ऑर्डर में इनको याद रखने की कोशिश करना। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और आपके पास है 5 seconds और देखना कि आपने कितने नाम करेक्ट याद करे। अब याद करने की कोशिश करो कौन कौन वो एक्टर थे, उसी ऑर्डर में याद करने की कोशिश करो और देखो कितने नाम आपने करेक्ट याद करे। आप इनमें से कितने एक्ट्रेस का नाम सही से याद रख पाए थे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आप जब चाहो, जहां चाहो, कई मौकों पे इस गेम को खेल के अपनी ब्रेन पावर इंक्रीज कर सकते हो। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक की कोई एक लाइन पढ़ी, साइड रखा और याद करने की कोशिश करी। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखी, न्यूज़पेपर साइड में रखा और याद करने की कोशिश करी। टेक्स्ट क्या था, कहां लिखा था, फोटो कैसी थी, प्राइस कहां लिखा था, नीचे क्या था। देखो जैसे मशीन होती है ना, किसी मशीन को अगर हमने उससे अच्छे से काम लेना है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, तो बार बार उसको स्टार्ट करते रहना होगा, उसकी ऑयलिंग करते रहना होगा। इसी तरह से दिमाग है, ब्रेन है, इसको बार बार स्पार्क देना होगा। तो ये जो गेम है, मेमोरी गेम, ये आपकी एसोसिएटिव पावर को इम्प्रूव करती है, आपकी रिकॉलिंग की पावर को इम्प्रूव करती है। सो इस तरह की गेम जब आप खेलते रहते हो, अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करते रहते हो। अब फटाफट आते हैं अपनी नेक्स्ट गेम पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस गेम का नाम है रीअरेंज। घबराओ मत, ये स्कूल वाला रीअरेंज द सेंटेंसेस नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे, वो अल्फाबेटिकली एक ऑर्डर में नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में है, आपने उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। मतलब अपनी ABCD याद करनी है जो बचपन में सीखी थी, और उस ऑर्डर में लगाना है। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाता हूं। सो आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड्स हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकली प्लेस करना है, मतलब जो ए से शुरू हो रहा है वो सबसे पहले आएगा और जो जेड पे है वो लास्ट में आएगा। So, चलिए आंसर देखते हैं। फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके ब्रेन ने फटाफट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बोलना शुरू करा और साथ साथ इन वर्ड्स पे भी ध्यान दिया। मतलब एक तरफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक तरफ सामने वर्ड्स, दोनों चीजों पे एक साथ वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है। कनेक्शंस आपके ब्रेन के इंप्रूव होते हैं, फोकस आपके ब्रेन का इंप्रूव होता है इस ब्रेन गेम के साथ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रेन साइंटिस्ट के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा यू शेप का ग्राफ बनाता है। मतलब बचपन से
हमारी जो रिस्पॉन्ड करने की स्पीड है, हमारी जो अलर्टनेस है, वो इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और मिडिल एज में वो अपनी पीक पे चले जाती है, और उसके बाद जैसे जैसे हम ओल्ड एज, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वो कम होती जाती है। इसलिए इस तरह की ब्रेन भी बहुत जरूरी है, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करे, रीट्रेन करे, कनेक्शन इंप्रूव करे, सो दैट ये ग्राफ जल्दी नीचे ना आए, हम अपने ब्रेन को ज्यादा देर तक, लंबी उम्र तक काम पे लगा पाए। अगली जो गेम आपको बताने जा रहा हूं, ये इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुई थी, शायद आपको याद हो, कुछ ऐसी रील्स, कुछ ऐसी वीडियोस पॉपुलर हुई थी जहां पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखा था और लोग उसको बोल बोल के उसमें से सेंस क्रिएट करते हैं, उसमें से वर्ड ढूंढते हैं। उस टाइम तो बहुत लोगों ने ऐसी गेम को मजाक में लिया था, लेकिन ये गेम जिसको कहते हैं द गिब्रिश गेम, आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, जो आपकी ब्रेन पावर के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक गिब्रिश गेम की। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, यू नाइट टेड किंग डम। इसको अगर आप रिपीटेडली बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, धीरे धीरे आप उस वर्ड तक पहुंच जाओगे। यूनाइट टेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। इसे क्रॉस क्रॉल भी कहते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को लगातार पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो सेंसरी इनपुट्स लेता है, और हमारा राइट ब्रेन इन इनपुट्स के बेस में हमारे लेफ्ट ब्रेन को डायरेक्शंस देता है। इससे हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में सिमिट्री बनती है, जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, हमारी ब्रेन की कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक गेम आप ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप गिब्रिश गेम लिखोगे तो आपको वो गेम चलती रहेगी, आप उसको खेलते रह सकते हो, एक ट्राई करते हैं। सो आपके पास ये सेंटेंस है और आपके पास है 10 सेकेंड। अगर आप सही आंसर तक पहुंच पाए थे तो नीचे कमेंट्स में गॉट चीज लिखना और साथ में बोलना गॉट चीज, और अगर नहीं पहुंच पाए थे तो बोलना नो चीज और लिखना नो चीज। लिखना इसलिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप आंसर तक पहुंचे या नहीं, और बोलना इसलिए क्योंकि जब आप चीज बोलोगे ना तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, से चीज। और मैं याद करवा दूं कि मेरे लिए आपकी स्माइल सबसे जरूरी है, बहुत बार बोला है मैंने, फिर से बोल रहा हूं, इतनी सी है चाहत हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। ये गिब्रिश गेम पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, इसको एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, मजा भी आता है, एंटरटेनमेंट भी होती है, और साथ में ब्रेन काम पे लगता है, एजुकेशन भी होती है, और कुछ नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, कुछ इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। सो आप भी इस गेम को ट्राई जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ कई लिंक शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम पे। अब जो मेरी नेक्स्ट गेम है वो आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबकी एक डोमिनेंट साइड होती है, मतलब कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, कुछ लोग राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, राइट हैंड से कप पी रहे हैं, राइट हैंड से फोन ज्यादा यूज हो रहा है, राइट हैंड से बहुत कुछ करते हैं, और कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, वो लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं। सो आप में से कई लोग राइट हैंडेड होंगे, कोई लेफ्ट हैंडेड होंगे। अब चैलेंज ये है, करना ये है कि हमने अपने ऑपोजिट हैंड से ज्यादा काम करवाना है। इस गेम का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूं, द अदर हैंड। द अदर हैंड में हमें क्या करना है, जिस हाथ से हम जो ज्यादा काम करते हैं उसकी जगह ऑपोजिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश हम राइट हैंड से करते हैं और लेफ्ट से भी किया जा सकता है, तो लेफ्ट से करो। लिखने में मैं समझता हूं कि आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करोगे तो काम रह जाएगा, लेकिन जो जो चीजें लेफ्ट हैंड से पॉसिबल है, या फिर फॉर एग्जांपल घड़ी मैं लेफ्ट हैंड में पहनता हूं तो मैं अब इसको राइट हैंड में पहन रहा हूं। इसी तरह से मैं पहले पहन लूं, इसी तरह से अब थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है और यही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फोन मेरा राइट पॉकेट में होता है तो फोन को मैं लेफ्ट पॉकेट में डाल रहा हूं। अब ये भी थोड़ा अनयूजुअल हो रहा है, ये भी थोड़ा अनयूजुअल हो रहा है। ऐसा करने से आपका ब्रेन का जो एक बना बनाया फ्लो, मोनोटोनस फ्लो, सैचुरेटेड फ्लो, ब्रेन को हर चीज की जो आदत पड़ी है वो भी शांत है, ठीक है, काम हो रहा है, रिफ्लेक्स में है, वो फ्लो जो है वो टूटता है। आपके नए न्यूरॉन कनेक्शन फॉर्म होते हैं, आपके एग्जिस्टिंग न्यूरॉन कनेक्शन इंप्रूव होते हैं, वो नई ट्राजेक्टरी में जाते हैं। आप समझ रहे हो ना कि ब्रेन को किसी चीज की आदत पड़ी है, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, लेकिन जब वो चेंज हो रहा है, बार बार मुझे यहाँ पे कुछ अलग फील हो रहा है, इधर कुछ अलग फील हो रहा है, तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। राइट वाली चीजें लेफ्ट में हो रही है, लेफ्ट वाली चीजें राइट में हो रही है, ब्रेन की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रही है। उसको जिस चीज की आदत नहीं है उसको हम दे रहे हैं, नए न्यूरॉन कनेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। जो चीज को हमें इंप्रूव करना है उसको काम पे लगाने होगा, जो चलेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं, इसको चलाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे। सो कुछ टाइम बाद आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि नॉन डोमिनेंट हेड पे ये चीज है, उसके बाद आप फिर चेंज कर लो, तो कुछ कुछ टाइम बाद अगर हम चेंज करते रहेंगे, हैंकी इधर गया फिर इधर गया, घड़ी इधर गई फिर इधर गई, ब्रश इधर से किया, सोचो किस लेवल पे आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी। और ये साइंटिस्ट ने कई बार प्रूव किया है कि ऐसा करने से, द अदर हैंड वाली चीज करने से आपकी क्रिएटिविटी कई गुना इंप्रूव होती है, आपका फोकस, आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। अब आ गए हम अपनी लास्ट गेम पे।
हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपने ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाना जरूरी होता है, और अगर नहीं जाते तो कई बार नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जैसे कि आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे और आपका ब्रेन कहता है छोड़ ना यार, गिव अप कर दे। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये गोल मेरे लिए जरूरी है और मेहनत करके मैं पहुंचूंगा, लेकिन कई बार ब्रेन की सुन लेते हैं और हम रहने देते हैं। कई बार किसी चीज में मेहनत एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, खुद को अनकंफर्टेबल करना रिक्वायर्ड होता है और ब्रेन आपको कहता है छोड़ ना यार, कंफर्टेबल चल रहा है, सब मोह माया रहने दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि वो आपके लिए जरूरी है। दुनिया में जो 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं, उन्होंने ये सीखा होता है कि ब्रेन की हर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को ब्लाइंडली नहीं लेना, देखना है, सोचना है, समझना है और फिर एक्शन लेना है। ये नहीं कि ब्रेन ने कहा मान लिया, ब्रेन को कंट्रोल करना उनको आता है। अगली जो ब्रेन गेम है वो आपकी हेल्प करेगी ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस को समझना, फिल्टर करना, मानना या ना मानना, प्लस आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव करेगी, आपकी अलर्टनेस, आपका रिफ्लेक्स इंप्रूव करेगी। समझते अपनी लास्ट गेम को। हमारी अगली गेम का नाम है कॉन द ब्रेन, जिसमें हमारा ब्रेन कुछ और इंस्ट्रक्शन देगा और हम करेंगे कुछ और। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूं ए और बना रहा हूं कोई और अल्फाबेट, एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता है क्या हो रहा है। बोल रहा हूं 108 और बना रहा हूं 43, लिख रहा हूं 43, 108 लिख रहा हूं 43, एक सेकंड के लिए क्लिक हुआ माइंड में क्या कर रहा है। बोल रहा हूं 5 और उंगलियां दिखा रहा हूं 3। आप ये चीज जब खुद के साथ करोगे और तेज तेज करोगे, आप रियलाइज करोगे कितनी बार ब्रेन को अटकना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है। आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रुक रहे हो। आप दो दोस्तों के साथ, आप और आपका दोस्त भी ये कर सकता है। वो बोले एक नंबर, आपने ड्रॉ करना है कुछ और नंबर। वो बोले एक अल्फाबेट, आपने ड्रॉ करना है उसके आगे या पीछे का अल्फाबेट। इस एक्टिविटी में फ्लो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब फ्लो बनना शुरू होगा ना, तो आप देखोगे आपके रिफ्लेक्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी अलर्टनेस इंप्रूव हो रही है। बहुत बड़ी चीज होती है अलर्टनेस का इंप्रूव होना। जो अलर्ट होता है, जो अवेयर होता है, जो अपने माइंड को फिल्टर कर पाता है, वही लाइफ में बहुत सारी इमोशंस को भी फिल्टर कर पाता है, वही अपने सक्सेस और फेलियर के बीच के कारणों को फिल्टर कर पाता है, वही अपनी जिंदगी के उन मूवमेंट्स पे जहां डिसीजन लेना जरूरी होता है, एक्शन लेना जरूरी होता है, वहां पे वो अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कॉन्कर कर पाता है। 99% लोग बह जाते हैं और 1% लोग आगे बढ़ जाते हैं। So, ये थी वो 5 ब्रेन गेम्स जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी मेमोरी, आपकी एप्टीट्यूड, आपकी रिटेंशन, आपकी अलर्टनेस, आपके रिफ्लेक्स को इंप्रूव करती है। आप चाहो तो ये ब्रेन गेम्स अकेले खेल सकते हो या अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हो और एक टाइम डाल सकते हो कि हम रोज एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉल करेंगे या ब्रेन इंप्रूवमेंट, मेमोरी इंप्रूवमेंट कॉल करेंगे और कोई एक गेम ट्राई करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी बताना, क्योंकि ये वीडियो भी आपने कमेंट्स में सजेस्ट करी थी इसीलिए मैंने बनाई है। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर आपका भाई, आपका दोस्त। खुश रहो, चीज बोल के स्माइल कर लो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।